मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप देख रहे हो श्वा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो वर्ल्ड अफेयर्स का एक और वीडियो, रशियन मिस्टेक एंड इंडिया प्रॉफिट, इंडिया टू गेट $30 बिलियन इन फ्लो। आइए देखते हैं। नमस्कार नहीं वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने ऐसे बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर लिखा है कि एक सर्टन टाइप का ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स है जहां से रशिया को निकाल दिया गया है, भारत को ऐड कर दिया जाएगा और इससे भारत में $30 बिलियन का इनफ्लो हो सकता है। यहां पर आप देख पाओगे इस पर आर्टिकल है, ऐसे बहुत से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि रशिया का जो एक्सक्लूजन है, रशिया का जो बाहर निकाला गया है, इससे भारत को फायदा हो सकता है। ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में आप भारत की एंट्री देखोगे पहली बार। अब यहां पे आप पूछोगे इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस ऑल मीन। तो इस वीडियो में बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है और व्हाई दिस इज सच ए पॉजिटिव स्टेप फॉर इंडिया। रशिया के ब्लंडर की वजह से हमको मैसिव बेनिफिट होगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि भारतीय आर्म फोर्सेस के किस विंग ने रिसेंटली एक युद्ध अभ्यास किया है जिसका नाम है पर्वत प्रहार। बड़ा न्यूज में था, इस पे बड़े आर्टिकल पब्लिश हुए द हिंदू पे, हर जगह के जी पर्वत प्रहार हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है। तो बताओ ये किसने कंडक्ट किया है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी या फिर ऑल ऑफ देम कंबाइंड। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं सब लोग आंसर करें, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ आज के समय मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि रशिया ने यूक्रेन पे अटैक करके बहुत ही बड़ा डिजास्टर किया है, खुद का बहुत नुकसान किया है। रीजन क्या है, देखो रशिया लगातार जमीन हारी जा रहा है। आप देखोगे रिसेंटली ये आपको दिख रहा है ये पर्पल एरिया, ये कुछ ही दिनों पहले रशिया के कब्जे में था। रशिया की सेना को खदेड़ के यूक्रेनियन फोर्सेस ने ये एरिया कब्जा लिया, अब ये बिल्कुल रशिया की बॉर्डर के सामने खड़े हो चुके हैं। और जगह भी आप अगर देखो तो लगातार, चाहे खेरोसान हो, वेरियस लोकेशंस पर रशिया लगातार अपनी जो ग्रिप है यूक्रेन में ये खोता जा रहा है। और एक अजीब सा टैक्टिक यहां पर रशिया यूज कर रहा है जहां पर एयरफोर्स का ये प्रॉपरली यूज नहीं कर रहे, न्यूक्लियर वेपन्स का कोई थ्रेड ये दिखा नहीं रहे। आई मीन पाकिस्तान जैसा कंट्री महीने में 3 बार बोलता है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स है, रशिया ने पहले ही बोल दिया कि जी न्यूक्लियर वेपन्स तो हम तब यूज करेंगे व्हेन द सिचुएशन इज वेरी बैड, हम पे अटैक नहीं होता है। तो ओवरऑल रशिया के लिए ये वॉर कंप्लीट डिजास्टर साबित हो रही है। और डिजास्टर इसलिए क्योंकि जमीन ही एक चीज थी जो जस्टिफाई कर सकती थी रशिया का इतना बड़ा बलिदान, इनके इतने सोल्जर्स मारे गए, इन पर इतने सैंक्शन लगा दिए गए, दुनिया भर की कंपनीज ने बॉयकॉट कर दिया रशिया का। ये सब जस्टिफाई तभी होता है जब रशिया को कुछ गेन हो। बीच में रिपोर्ट आई थी यूएस की तरफ से, वॉशिंगटन पोस्ट की तरफ से, जहां पर उन्होंने कहा था कि रशिया ने जो लैंड कैप्चर किया है यूक्रेन का, उसके बदले में आप कह सकते हो रशिया को करीब $12 ट्रिलियन की वेल्थ मिल चुकी है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो ये वेल्थ है रशिया लगातार खोता जा रहा है, इनके हाथ से लगातार ये जो लैंड है ये स्लिप कर रहा है। अब ये सब जो ब्लंडर्स होने थे हो गए। उसके अलावा देखो जो ग्लोबल बॉन्ड मार्केट है ना, वहां से भी रशिया ने खुद को कट ऑफ करवा दिया। अब एक बार मैं आपको समझाता हूं बॉन्ड है क्या, बहुत ही सरल भाषा में। दुनिया भर के देश, चाहे इंडिया हो, रशिया, जापान, थाईलैंड, यूएस, ये सब कंट्रीज बॉन्ड इशू करती हैं। इन सब कंट्रीज की सरकारों को जब पैसे चाहिए होते हैं तब ये इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स या फिर जो मिलियनेयर्स हैं उनको कहते हैं कि आप देखिए हमको ना पैसा उधार दे दो 10 साल के लिए, उसके बदले में हम आपको 2.5%, 3%, 4-5% जो भी उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से आपको पेमेंट करते रहेंगे। आपने काफी बार देखा होगा कि जब भारत सरकार को भी पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो इंडिया में भी हम डिबेट करते हैं एनआरआई बॉन्ड इशू कर दे, कि जो एनआरआई इंडियंस हैं उनके लिए स्पेशल बॉन्ड इशू किए जाए, जहां पे उनको ये हम कहे कि देखो आपको निवेश करना है, पैसा आपके पास बलागा पड़ा होगा, बैंक्स में पड़ा होगा, वहां पे क्यों रख रहे हो अपना पैसा, भारत सरकार को उधार दो, उसके बदले में 6%, 5% जो भी इंटरेस्ट रेट है जो बैंक में आपको नहीं मिल रहा वो लगातार आपको मिलता रहेगा। और दुनिया भर में देखो कंट्रीज की कोशिश ये होती है कि उनके बॉन्ड्स की जो वैल्यू है, जो रिस्पेक्ट है, ये लगातार बढ़ती रहे। और अपने बॉन्ड की रिस्पेक्ट बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि अमेरिकन जो फाइनेंशियल कंपनीज है, फॉर एग्जांपल जेपी मॉर्गन, इनके इंडेक्स में अपने बॉन्ड की आप लिस्टिंग करा दो, अपने आप देखोगे आपके बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। बॉन्ड की वैल्यू बढ़ेगी तो कम इंटरेस्ट रेट में भी ना आप ज्यादा पैसा इकट्ठा कर पाओगे। जो भी देश आप देखोगे अमेरिकन बॉन्ड इंडेक्स में आपको दिखेगा, उनके यहाँ जो इकोनॉमी है अपने आप इंप्रूव करती रहती है क्योंकि सरकार को पैसा इकट्ठा करना काफी आसान पड़ता है।
तो यूएसए की एक बहुत ही फेमस कंपनी है जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन ने अपना एक बॉन्ड का इंडेक्स बना रखा है, बेसिकली लिस्ट बना रखी है कंट्रीज की, उसको ये कहते हैं जेपी मॉर्गन इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स। इस इंडेक्स का पार्ट रशिया था यूक्रेन वॉर से पहले, फिर रशिया पर जब सैंक्शन लगे, रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया, तो जेपी मॉर्गन ने भी कहा रशिया को हम अपने बॉन्ड इंडेक्स में नहीं रखेंगे। उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी आई कि रशिया ने अपनी बॉन्ड की जो पेमेंट्स है वापस अमेरिकन इन्वेस्टर्स को, ये भी करनी बंद कर दी थी। तो जब जेपी मॉर्गन ने अपने इमर्जिंग मार्केट्स बॉन्ड इंडेक्स से रशिया को बाहर निकाला तो एक वैक्यूम बन गया, स्पेस बन गया। अब जेपी मॉर्गन ने सोचा कि इस वैक्यूम को भरने के लिए किस कंट्री को लाया जाए, तो यहाँ पे नंबर वन इनकी प्रेफरेंस है अभी के लिए इंडिया। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया टिप्ड टू ज्वाइन जेपी मॉर्गन बॉन्ड इंडेक्स। और ये मैं आपको बता दूं एक गेम चेंजिंग मोमेंट है इंडिया के लिए। अमेरिकन जो जर्नलिस्ट है उसको ऐसे कवर कर रहे हैं कि जेपी मॉर्गन कंसल्ट कर रहा है बड़े बड़े निवेशकों से, बिलियनियर्स हैं। ये ऐसा नहीं है कि सारे इलोन मस्क, जेफ बेजो, कई बिलियनियर्स हैं, $10 बिलियन वाले, 5 बिलियन, $3 बिलियन वाले, उनको भी निवेश करना होता है। बहुत से आपको मिलेंगे ऐसे इन्वेस्टर्स दुनिया भर में। तो जेपी मॉर्गन इनसे बात कर रहा है कि इंडिया को हम इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड इंडेक्स में डाल दे। यहाँ पे अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही है सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल अप्रूव कर रहे हैं कि बिल्कुल रशिया को अगर कोई देश रिप्लेस कर सकता है तो वो देश है भारत। और इससे होगा क्या, द इंक्लूजन कुड सेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिंग इनटू द कंट्रीज डोमेस्टिक मार्केट। तो भारत का जो डोमेस्टिक डेट मार्केट है उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स आएंगे। सरकार को अगर मान लो कल को बॉन्ड इश्यू करने हैं, पैसा रेस करना है डिफेंस स्पेंडिंग के लिए, किसी और काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो ये सब हम कर सकते हैं। बेसिकली इससे इंडिया को बहुत सी ऑप्शंस मिलती है, रशिया का लॉस है हमारा गेन है। और हाँ, इस टॉपिक के बारे में अगर आप कहीं पर विकिपीडिया पे जाओगे ना तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे ये जानकारी मिले, वहां पे लिखा होगा कि GBEM जो बोर्ड है यहाँ पर तो इंडिया इंक्लूडेड है। देखो यहाँ पे ये बात समझ लो, बोर्ड और ओवरऑल इंडेक्स में फर्क होता है। एक है जेपी मॉर्गन का बोर्ड जहां पे इन्होंने कई कंट्रीज को ऐड कर रखा है, जैसे कि यहाँ पे आपको चाइना, इंडिया, ये सब मिलेंगे, मगर इसका कुछ फायदा होता नहीं है, दिस इज यूजलेस। मेन चीज है कि आपको अगर ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स के मेन लिस्ट में डाला जाए वहां पे आप देखोगे कि अभी तक इंडिया इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है चाइना भी इंक्लूडेड नहीं है, मगर ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपडेटेड है विकिपीडिया पे, 2013 की आपको नॉलेज यहाँ पर मिलेगी। तो बी केयरफुल अबाउट व्हाट यू रीड, क्योंकि चाइना को 2020 में इस बॉन्ड इंडेक्स में ऐड कर लिया गया था और चाइना को इससे बहुत फायदा हुआ है। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्ज यहां से उठाया है। अब यहां पे आप कहोगे तो कम शब्दों में कहो तो इससे इंडिया का कर्ज तो बढ़ेगा, हम बेसिकली कर्ज ही उठाएंगे यहां पर। रशिया पहले आसानी से कर्ज उठा पाता था, रशिया को निकाल दिया, अब इंडिया कर्ज उठा पाएगा, मगर कर्ज तो खराब होता है ना। नहीं, देखिए डेट अगर आपकी शर्तों पर दिया जा रहा है आपको तो डेट अच्छा है, क्योंकि आप उस डेट को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं। भारत का जो एक्सटर्नल डेट है ये $620 बिलियन तक पहुंच चुका है, मगर भारत के डेट को श्रीलंकन डेट या पाकिस्तान डेट से कंपेयर मत करो। हमने जो पैसा उधार उठाया है ये हमारी शर्तों पे है, सो इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो ऑब्वियसली जैसे ही इंडिया का आप इंक्लूजन देखोगे इस बॉन्ड इंडेक्स में, भारत का जो एक्सटर्नल डेट है ये भी बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं मगर डेफिनेटली इसमें कुछ बिलियन डॉलर का आपको इजाफा दिखेगा। बट ओवरऑल दिस इज वेरी गुड न्यूज फॉर इंडियन इकोनॉमी। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडियन आर्म फोर्सेस के किस विंग ने रिसेंटली पर्वत प्रहार युद्ध अभ्यास किया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है, इंडियन आर्मी ने किया है ये युद्ध अभ्यास, और ये युद्ध अभ्यास किया गया है लद्दाख में नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसको याद रखिएगा। और हाँ, फाइनली आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज, आने वाले कुछ दिनों के लिए अन अकेडमी की स्पेशल 20% सेल। ओके, सो बॉन्ड्स का जो है उसमें इंडिया इंक्लूड हो सकता है, जेपी मॉर्गन चेज जो बैंक है बेसिकली वहाँ का ऑफ कोर्स। देखा, एक्चुअली वॉर ना किसी के लिए फायदेमंद नहीं होता, वॉर कोई भी देश का हो वो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है, खुद के लिए बहुत इम्पैक्ट होता है, खुद के लिए नुकसान, और पूरा मतलब जितना अच्छी से की होती है ना सब डूब जाती है। छोटा वॉर हो या बड़ा वॉर हो, वॉर हमेशा बोलते ना इतना तबाही ही लाता है, ऑफकोर्स फाइनेंशियल तबाही, फिजिकल तबाही, जगहों की तबाही ऑफकोर्स। बट अगेन इसमें इंडिया स्मार्टली गेन कर रहा है लोगों, लेकिन जैसे ना कर्ज बढ़ेगा, लेकिन वो तो ना अपनी शर्तों पे यूजली कैसा होता है, हमको कभी कभार फोर्स लोन लेना पड़ता है। जैसे हम आप पर्सनल बात करें, हम ऐसा कंट्री की बात नहीं करें, जैसे हम सैलरीड लोग हैं, कभी हमको ऐसा अनवांटेड लोन मिलता है, लेकिन उसमें हम बैंक की सुनते हैं
कि तुमको इतने ही रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा ऐसा ऐसा, बट यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे इनके बॉन्ड सिस्टम है तो हमको कर्ज चाहिए लेकिन हम इतना ही देंगे, इतना ही देंगे, राइट राइट। तो वो एक है, तो उससे काफी फर्क पड़ सकता है आपको, क्योंकि वो इंटरेस्ट रेट बोलते ना ऐसा एक एक आधे आधे परसेंट का लिखेगी और अमाउंट बड़ा है, बिलियन डॉलर्स का अमाउंट है। हाँ जी तो वो आधा वही कह रहे थे ना, इतना मतलब इतने सारे बिलियंस मतलब जहाँ पे इतने सारे लोग है सबका, 3 बिलियंस वाले ये बिलियंस सब, सबसे वो लोग कंसल्ट कर रहे हैं कि इंडिया को क्या करना है, इन्वॉल्व करेंगे, सब लोग वही बोल रहे हैं कि इंडिया ही बेस्ट ऑप्शन है ऑफ कोर्स। बस ऐसे जो भी है इंडिया के फायदे की चीजें होते जाए तो अच्छा है ऑफ कोर्स, एंड ये सब अच्छे से यूटिलाइज हो भी और मजा है। एक्चुअली थैंक्स टू द चैनल, बहुत सारी नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन मिल रही हमें और अच्छा फील भी हो रहा है, एक प्राउड मोमेंट भी आ रहा है, कैसे लग रहा है कि नॉलेज हो रही है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इंडिया में, देश में, हर जगह क्या चल रहा है, तो वो हमें मालूम। वो एक वो भी अच्छा लगा, वो 2013 का वो विकिपीडिया वाला चीज के जो भी पढ़ रहे हो थोड़ा संभाल के पढ़े हो, क्योंकि विकिपीडिया में तो दिखाता है लास्ट एडिटेड कहां पे, तो जिसको आप मालूम है कैसे पढ़ना तो देख के पढ़ते हो, वो एडिटेबल है विकिपीडिया, कोई भी एडिट कर सकता है। So, और एक अच्छा वीडियो और एक प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया देखते हैं, अभी बस ये तो बात चले तक तो हुआ नहीं है, अगर हो गया तो देखते हैं क्या बेनिफिट होगा, कितना लॉन्ग रेंज पे अपने को इंडिया को इसका बेनिफिश और कैसे होगा, मतलब और क्या क्या उसके अंदर बोलते हैं ना डूज एंड डोंट्स रहेंगे, तो देखना पड़ेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। बाय बाय।